17 सितंबर 2020 ये वो दिन था जब किसान कानूनों को पास किया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार किसान जो है इस चीज का विरोध करते नजर आए। और आप लोगों ने देखा किस तरह से एक साल से भी ज्यादा हो गया तो किसान बॉर्डर्स पर डटे रहे और यही मांग करते रहे कि जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस लिया जाए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी उन्हें काफी फटकार मिली और सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से भी उन्हें उठाने का काफी ज्यादा प्रयास किया गया, लेकिन वो अपनी जिद पर डटे रहे और वहां से बिल्कुल भी नहीं हिले। और आज शायद उन्हें इसी का फल मिला है, जितनी जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ी थी इस चीज को लेकर, इतना लंबा संघर्ष उन्हें करना पड़ा था इस चीज को लेकर, आज गुरुपूर्व वाले दिन यानी कि गुरु प्रकाश वाले दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक बड़ा तोहफा जो है वो दे दिया है। यानी कि जो तीन कानून थे, यानी कि जिसे किसान जो है किसान विरोधी कानून बोलते थे, उन तीनों कानूनों को प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है उन सभी को कि उनके जल्द से जल्द ये कानून जो है वो जैसे ही इस महीने के अंत में सत्र शुरू होगा तो ये किसान विरोधी कानून जो है उसे वापस ले लिया जाएगा। और ये कहा गया है जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं यानी कि जितने भी किसान इस समय अलग अलग बॉर्डर्स पे धरने पे बैठे हैं उनसे ये अपील की गई है कि अब वो अपने अपने घरों में चले जाए, अब उनके हक में जो है ये फैसला लिया जाएगा। तो आज सुबह ही देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में जानकारी दी है और कोविड के दौरान उनका ये 11वां संबोधन था जिसमें उन्होंने तीन कृषि कानून बिल जो है वो वापस लेने की घोषणा कर दी है। और घोषणा के बाद जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी बनाने और बिजली अमेंडमेंट समेत कुछ अन्य मुद्दे हैं जिस पर अभी बातचीत होना जो है वो बाकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री की घोषणा को लेकर बातचीत कर रहा है, आगे की रणनीति को जल्द ही तैयार किया जाएगा। आज ही कहे तो आज ही हम अपने प्रोटेस्ट एरिया से जो है वो नहीं उठने वाले हैं। और शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही तीनों कृषि कानून बिल को वापस जो है वो ले लिया है और वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि संसद के सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा मैं आपको पूरी तरह वो रीड करके बताती हूँ कि एग्जैक्टली उनके क्या वर्ड्स है जब वो देश को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने ये कहा कि मैं देशवासियों के क्षमा मांगता हूँ, सच्चे मन से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रयास में कमी रही कि हम उन्हें समझा नहीं पाए आखिरकार ये जो हमने बिल पास किए हैं किसानों के लिए वो क्या है वो क्या नहीं है। लेकिन आज गुरु नानक जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कृषि कानूनों को जो बिल है उन्हें वापस ले लिया है। और इस महीने के अंत में शुरू होने वाले प्रोटेस्ट किया जाता था किस कदर वहाँ पर जो है वो हड़बड़ी मच जाती थी। पंजाब के एरियाज की बात करूँ तो पंजाब में लगातार किसान जो है वो पटरी रेल ट्रैक को बंद करते नजर आए, पंजाब बंद की कॉल, जम्मू कॉल की बंद, इस तरह से कॉल जो है किसानों की ओर से की गई थी और लगातार ये लंबा संघर्ष जो था वो किसानों का चला था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी कि ये बिल्स अभी सिर्फ इशू हुए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो ये किसान किस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी किसान जो है वो लगातार डटे रहे थे और यही मांग करते रहे। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि जितने भी किसान इस समय सड़कों पर हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने अपने घरों में वापस चले जाएँ और ये किसान बिल जो है ये वापस ले जाएंगे, लेकिन किसानों के जो नेता हैं यानी कि राकेश टिकैत का ये कहना है कि अभी अन्य मुद्दों पर बातचीत होना बाकी है, वो इस चीज़ से अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जितने भी अन्य दल हैं जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं उन सभी से इस चीज़ की बातचीत हो रही है और उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक लंबा संघर्ष, एक लंबी मांग थी कि इन बिल को वापस लिया जाए क्योंकि 17 सितंबर 2020 के बाद आज